हजरत किबला अलहाज शेख मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामत फयूज होम के बारे में कुछ कहें। हमारा ज़माना ना मीडिया का ज़माना है। इस ज़माने में ना किसी के बारे में कुछ कहना या किसी के बारे में कुछ ना कहना, इसको मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के साथ इसको पेश किया जाता है। मैं उनके बारे में इतनी बात, सिर्फ इतनी बात, मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, मैं कोई बात इस अंदाज में नहीं करता कि कोई शख्स कहे कि कुछ लोगों की हमदर्दी लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई खुशामद कर रहे हैं। मैं जिन लोगों की दिल और रूह से इज्जत करता हूँ उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास का कल भी, और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। लेकिन इसका ये माना बिल्कुल नहीं है कि मेरे को तारीफ़ करने से कोई बुज़ुर्ग बड़ा हो जाएगा। मेरी तारीफ़ करने से उन्होंने काम किया है और बड़ी मेहनत के साथ किया है और बड़ी जद्दोजहद के साथ किया है, और उनके अकायद, उनके नज़रियात वही नज़रियात हैं जो 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा के नज़रियात हैं, और मजबूत अफकार और नज़रियात की मालिक बख्श। किसी शख्स के तरीक़ेकार से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर किसी का अकीदा ठीक हो, अमल मजबूत हो और तकवे की दौलत अल्लाह ने दी हो तो फिर इसे सलूक ही करना चाहिए, यही उसका बनता है। अल्लाह उन्हें सेहत, और मेरे साथ तो उनकी बड़ी मोहब्बत है। मैं कुछ दिन पहले दरालील हो गया था तो वो मक्का शरीफ में थे, जाने के ज़रिए से कुछ दोस्त आए तो उन तक पैगाम पहुँचा, तो वहाँ से उन्होंने मेरे लिए बड़ी दुआएँ कराई, बड़ी मेरे साथ उन्होंने मोहब्बत का जो है वो रवैया रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैं कह चुका हूँ कि जिन लोगों को मैं कल्ब से चाहता हूँ और निजी महफिलों में जिनकी तारीफ करता हूँ, उनमें बड़ा नाम हजरत शेख का है।